नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। बालाघाट में पुलिस द्वारा आरोपी को मूत्र पिलाने की घटना, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। बालाघाट जिले के तिरोड़ी थाना के महकेपार चौकी अंतर्गत अंबेझरी में चोरी के मामले पर पुलिस द्वारा युवकों पर ज्यादती के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने आईजी को सौंपा ज्ञापन। चोरी के मामले में पुलिस हिरासत में आदिवासी युवकों के साथ ज्यादती व एक युवक को कथित तौर पर मानव मूत्र पिलाने की घटना को लेकर केपी वेंकटेश्वर राव पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन को पुलिस चौकी महकेपार प्रभारी अनूप यादव पर कार्यवाही को लेकर बालाघाट जिला कांग्रेस अध्यक्ष व भूतपूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत मंडला के बिछिया से कांग्रेस विधायक नारायण पट्टा, विधायक अशोक मस्कोले, बरघाट विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया एवं अन्य कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए बालाघाट से पंकज डहरवाल की रिपोर्ट। किस तरह से उन्होंने एक आदिवासी युवकों को एक चोरी का अपराध बना करके, एक षड्यंत्र करके, जिस व्यक्ति के पंप हाउस से मोटर चोरी होने की बात कही गई है और उसी व्यक्ति से जो एएसआई है उसका रात दिन का वहाँ बैठना उठना और रात को डिनर पार्टियाँ दुनिया भर का सब लफड़े होते थे, ये सब जो है बनाया हुआ षड्यंत्र है। उन लड़कों को फंसाने का जो षड्यंत्र हुआ है और जिस तरह से उसके साथ मारपीट की गई है। धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से ये महके पार्क चौकी के अंतर्गत जो अंबेझरी गांव में जो घटना घटित हुई है, जिसने भी इस घटना को बारीकी से देखा है, संज्ञान लिया है, निश्चित तौर पर ये सच्चाई को जिसने भी जाना और परखा है उससे ये कहेगा कि इस तरह का अगर अमानवीय कृत्य, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या कोई भी प्रशासनिक हमला हो, इस तरह की अगर किया जाता है तो निश्चित रूप से हम उसका जितना भी निंदा कर सके वो कम किसी भी कानून में। सरपंच से पूछा, सबसे पूछा, उसके बाद फिर मैं उन लोगों को देखा। जब आप भी उन लोगों को देखोगे तो कहीं ऐसा नहीं लगता, एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा, एक मान लो चलो ठीक है अपराधी तो अपन पहचान नहीं पाते, लेकिन एक छोटी, लेकिन उसके साथ वो तो आरोपी है, हाँ आरोप जो भी हो ठीक, लेकिन उसके साथ में इस तरीके से करना, यहाँ लिखा रहता है ना देशभक्ति जनता, ये संदेश देना। आज पूरे देश में इनके ऊपर फूल बरसाया जा रहा है, इनका सम्मान किया जा रहा है, ये फिर हमारे आपस में फिर ये यही तो डिफरेंस होता है, मतलब जानवरों जैसा वो बर्ताव करना, जानवरों जैसे बर्ताव करना, और ये उस समाज के साथ में, छोटे से समाज के साथ, उनका उनकी माँ जा रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारे बेटे ने ऐसा नहीं किया, अगर मान लो किया भी हो नहीं भी किया हो तो कितने का है हम पैसा दे देंगे, तो बोले नहीं तुम जाओ तुम मार दे। लेकिन जिस प्रकार से जो उसके द्वारा जो जांच और कार्यवाही हुई है, परसों उसको सिर्फ लाइन अटैच किए हैं, अगर इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखेंगे तो ये अमानवीय कृत्य की श्रेणी में आता है। और उस क्षेत्र में हम खुद गए, हमने उनसे बात की, उस क्षेत्र में पूरा दहशत का माहौल है। यहाँ पर हम आईजी साहब से मिले हैं, आईजी साहब को हमने पूरे घटना की जानकारी दी है, आईजी साहब ने पहले भी संज्ञान में लेते हुए डीआईजी साहब को वहां पर जांच के लिए भेजा था, लेकिन उसके सारे एक्टिविटीज के बाद में जो कार्रवाई होना चाहिए था वो सकारात्मक में किसी भी रूप में नहीं देखता। मैं खुद एक चिकित्सक हूं, मैंने उस लड़के के पैरों में घाव देखे हैं, जो चोट आज 13 दिन से लेकर आज तक बने हुए हैं। मोटर चोरी का संबंध में एक व्यक्ति को चोरी के संबंध में बुलाया था चौकी में और उससे चोरी के संबंध में पूछताछ कर रहे थे, और ये एलिगेशन लगा रहे कि हमारे लोकल नेता हो कि उसको उन्होंने मारपीट किया और उसके साथ अन्य अभद्र व्यवहार अगर किया है तो उसकी बारे में हमें शिकायत कर रहे कि उसकी कार्रवाई करो पुलिस सब इंस्पेक्टर। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर।
क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।